लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने एक लंबे समय तक चलने वाला दिया, लेकिन उसने इतना खनन कर दिया, इतनी बालू बदरी, इतनी खोद डाली। यदि कहीं ज़्यादा समय मिल गया होता तो हमारी मिट्टी भी खोद करके उसको भी बेच डालता। क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो मुख्य तौर पे कौन से रहने वाले? वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे हम जा रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने सिविल कोड की बात की, पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। विकास और भाजपा, 5 साल का रिकॉर्ड देख लिया। यदि जब उनसे कह दीजिएगा ऐसी बात सार्वजनिक रूप से न कह दे, लोग पत्थर मारेंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री पगला गया। विकास से भाजपा का क्या लेना देना, लोक कल्याण से भाजपा का क्या लेना देना? वो एक योजना बता दें लोक कल्याण की जो उन्होंने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए प्रारंभ की हो। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में जिस तरीके हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, महंगाई, 1000 रुपये का सिलेंडर, उत्तराखंड उपभोक्ता राज्य है, इसीलिए हमको कहना पड़ा लाओ कांग्रेस सरकार, गैस के दाम, गैस सिलेंडर के दाम नहीं होने देंगे 500 के बाद। तो हमको ये सब चीज़ें हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। विकास रुका हुआ है, भ्रष्टाचार है, खनन अंधाधुंध हो रहा है, तो राज्य के अंदर एक कुव्यवस्था व्याप्त है। तो लोग ये कुव्यवस्था को हटाने के लिए और एक स्पष्ट सोच की सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो दाव खेला है, क्या लगता है पोलराइजेशन करने की कोशिश है? मुख्यमंत्री को ये भी मालूम है कि इसको कर कौन सकता, ये तो केंद्र करेगा, केंद्र सरकार लाएगी। क्या नरेंद्र मोदी जी की जगह भाजपा उनको रिप्लेस करने जा रही है? यदि वो मुख्य प्रधानमंत्री हो रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से, यदि हो रहे हैं तब तो ठीक इस वक्त कह सकते हैं। जो उनका विषय ही नहीं है, जिसका हवा कौखस है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस विषय को उठा करके खामखा अपनी हताशा, चुनाव में हार रहे हैं, उस हताशा को क्यों जाहिर कर रहे हैं? ये इस चुनाव में देखने को ये मिला कि जुबान भी फिसली है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमने तो कह दिया उनसे ना कि अपनी अपनी पार्टी की संस्कृति दिखाते हैं, उनके शीर्ष पुरुष हैं, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। यदि अपने राजनीतिक विरोधी को, विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनको कुत्ता बिल्ली ये नामों से संबोधित करें, धन्य हो आपको। और हम तो कुत्ते में भी, अरे कुत्ता भैरव का अंश माना जाता है, जैसे जैसे भैरव देवता देवताओं के चौकीदार हैं, उसी तरीके से कुत्ता हमारे घर का चौकीदार है। मैं उत्तराखंड का चौकीदार हूँ, मैं उत्तराखंडी के लिए भौंकूंगा उत्तराखंडी के लिए, और जो उत्तराखंड के हितों के खिलाफ काम करेगा उसको काटूंगा भी। जो असम के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी जो जिस शब्द का उपयोग किया, उससे कांग्रेसी कार्यकर्ता आहत हैं? बिल्कुल आहत है, जनता आहत है। राजनीतिक शिष्टाचार होता है, राजनीति के अंदर आप शिष्टाचार की मर्यादाएं लांघ देंगे तो राजनीति में यदि असहिष्णुता आ जाएगी, गुस्सा, नफरत आएगी, तो उससे देश का क्या होगा? देश में वो भावनाएं आएंगी। चूंकि चुनाव चल रहा है तो आपको क्या मैसेज आ रहे हैं, हर जगह से आपके पास मैसेज आ रहे होंगे, किस तरह का उत्साह? बहुत उत्साहजनक स्थिति है, कांग्रेस आ रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। स्पष्ट तौर पर हम एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। जी 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 अब एक सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्थिक रूप से किस तरह से राज्य को समृद्ध आप लोग बनाएंगे? हाँ, ये सवाल है। और मैंने कहा ना, 2014 में जिसमें मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, राज्य की विकास दर 4% के आसपास आ गई थी और विगत निरंतर नकारात्मक बनी हुई थी, और पर कैपिटा इनकम 73,000 या 74,000 से घट करके 50,000 के आसपास आ गई थी। राजस्व वृद्धि दर -3% थी और बहुत ही नकारात्मक स्थिति थी, खजाना खाली था, विकास के काम अधूरे पड़े हुए थे, और राज्य के अंदर एक बड़ा हिस्सा, 80% हिस्सा ध्वस्त पड़ा हुआ था, पर्यटन चौपट हो गया था, उसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। जब उस विध्वंस से हम निर्माण की तरफ जा सकते हैं, आप अंदाज लगा लीजिए, हमने 1.5 वर्षों के अंदर रिकवरी की
और रिकवरी में के बाद पर कैपिटा इनकम को 1,74,000 पहुंचाया 3 साल के अंदर, जो हाईएस्ट थी, और जो विकास दर थी उसको 11.5% पहुँचाया, राजस्व वृद्धि दर को 19.5% ड्रीम जो है कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट राजस्व वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर थी। पर कैपिटा इनकम हमने जो है ट्रेमेंडसली जो है इम्प्रूवमेंट उसमें आए, 1,75,000 के आसपास पहुँचा, 74-75,000 पहुँचाना ये कोई साधारण बात नहीं थी। और बेरोजगारी में 32,000 लोगों को हमने सरकारी मुलाजिम बनाया, और 2016 के में और मार्च 2017 में जो है जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी, वार्षिक वृद्धि दर थी, वो 1.5% थी, जो लोएस्ट इन द कंट्री थी। तो मतलब हमने बेरोजगारी का भी शमन कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमने कभी नहीं कहा कि विकास के लिए हमारे पास पैसा नहीं है सर, और जब हम वहाँ से संवार सकते हैं राज्य को, तो हम आगे भी संवार सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप हमारे वादों पर पैसे की चिंता मत करिए, हरीश रावत गारंटी है, मैं देखूंगा। सर एक सवाल ये है कि पहले तो कांग्रेस या बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होती थी, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, क्या लगता है कि ये सियासी कितना जमीन उनके लिए उर्वर साबित होगी? अभी तो उनको उत्तराखंड को समझना है कि दिल्ली की तरीके से एक म्युनिसिपल मेंटेलिटी नहीं है, ये बड़ा विस्तृत फैला हुआ भूभाग है, विभिन्नताएं हैं, सब चीज है। जिस दिन वो उत्तराखंड को समझ लेंगे, अभी तो केवल वोट कटवा की भूमिका में है। लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, केजरीवाल उनको मदद करने पहुँच जा रहे हैं, तो आप पता नहीं, उनको अपनी भूमिका पहले तो ठीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद फिर वो उत्तराखंड के लोगों की से कुछ अपेक्षा करें। अच्छा सर ये एक सवाल, छोटा सा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह ने पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग बोला था और कहा था कि उससे पुष्कर सिंह धामी को जोड़ा था उन्होंने। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी जो है, जिस तरीके से उन्होंने अंधाधुंध खनन किया है और खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा पाई है, जिस तरीके से नोट बांटते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है, उसे लग रहा है कि भाजपा के लिए आग जरूर सिद्ध होने जा रहे हैं।